तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिक्की की रेसिपी। तो इसको कैसे बनाते हैं तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं, तो 250 ग्राम हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्चा मूंगफली फ्रेंड। और यहाँ पे हमने रेवड़ी का इस्तेमाल किया है, लखनऊ की काफ़ी फेमस रेवड़ी होती है, तो इसी से आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चिक्की। तो सबसे पहले हमें रेवड़ी को कूटना होगा, तो इसको थोड़ा सा दरदरा ही कूट लेंगे हम फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में हमें इसे पकाना है। तो इसको दरदरा सा कूट करके सारी रेवड़ी को इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह का पाउडर हमें चाहिए चिक्की बनाने के लिए, तो सारे रेवड़ी को इसी तरह से कूट के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमने कूट करके तैयार कर लिया है। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और इसमें डाल देते हैं मूंगफली। तो मूंगफली को हमें रोस्ट करना है, तो चलाते हुए इसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। तो चिक्की तो आपने अलग अलग तरीके की खाई होगी, गुड़ वाली चिक्की मूंगफली की, चीनी वाली चिक्की मूंगफली की खाई होगी, पर ये रेवड़ी वाली चिक्की आपने नहीं खाई होगी। तो रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अच्छे से मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है। देखिए काफ़ी अच्छे से इसका छिलका निकल रहा है, पर हम इसको कुछ अलग तरीके से इसका छिलका निकालेंगे। तो इसके लिए जिसमें हमने रेवड़ी कूटी थी फ्रेंड्स, उसको ले लेंगे और हल्का हल्का हाथों से हम इसको क्रश करेंगे। केवल क्रश करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है, ध्यान रहे। तो इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से क्रश करके सारे मूंगफली को इसी तरह से हमें क्रश कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने कूट करके तैयार कर लिया है। अब इसका हमें छिलका निकालना है। तो जैसे आपको आसान लगे फ्रेंड छिलका निकालना, वैसे आप छिलका निकाल लें। और यहाँ पे हमने लिया है जाली वाली छन्नी, बस इसमें सारी मूंगफली को रख करके छान लेना है। बहुत आसान होता है फ्रेंड्स, तो इसको छान करके तैयार कर लें। जल्दी से झटपट से हो जाता है, उस तरह से ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप हाथों से रगड़ करके छिलका निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल मूंगफली साफ हो जा रही है। अगर एक आध ठो छिलका इसमें बच भी जाता है फ्रेंड, तो कोई बात नहीं, चिक्की में काफ़ी टेस्टी लगता है। ये देखिए छिलका अलग हमने कर दिया है, मूंगफली बिल्कुल साफ हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गुड़। गुड़ आप केवल रेवड़ी से भी बना सकते हैं, पर कलर के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़। और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, और इसमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो हम डाल देंगे 1 चम्मच इसमें देसी घी। बाकी चीज़ें तो रेवड़ी में पड़ी ही होती हैं फ्रेंड्स, पर कुछ चीज़ें इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा क्रंची वाला बनेगा, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं बिल्कुल वैसा हम बनाएंगे इस चिक्की को। तो इसको मेल्ट होने तक अच्छे से पका लेना है पहले। तो ये देखिए गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें थोड़ा सा कूट करके इलायची का पाउडर डाल देंगे, तो इलायची का पाउडर का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है चिक्की में, तो आप इलायची ज़रूर कूट के डाल दें। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको पका लिया है। तो इसमें डाल देते हैं ये रेवड़ी जो हमने कूट के रखी थी, बस इसको इस स्टेज पे डाल देना है। तो गुड़ को हमने अभी मेल्ट होने तक पकाया है, तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें चीनी भी होती है, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा फ्रेंड, एकदम अलग कलर का बनेगा। तो आप भी कभी लखनऊ जाते हैं तो आप रेवड़ी ज़रूर ले आइएगा, और इस तरह से ज़रूर चिक्की बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी होता है। तो इसमें तिल भी पड़ा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है नारियल का बुरादा, थोड़ा सा इसको अलग फ्लेवर में हम बना रहे हैं। तो आप बिना नारियल के पाउडर का भी बना सकते हैं, पर डालने से थोड़ा सा टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। इसको अच्छे से फेट करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब डाल देंगे इसमें मूंगफली जो हमने रोस्ट करके रखी थी। अब इसको भी साथ में हमें लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारा जो चाशनी है अच्छे से टूटने न लगे। चाशनी को टूटना चाहिए फ्रेंड। यहाँ पे हमने लिया है बेकिंग सोडा, तो हमने बेकिंग सोडा को 2 से 2 चुटकी हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। तो इससे थोड़ा सा ना क्रंची बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट होगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको इस तरह से डाल करके हमें थोड़ी देर इसको पका लेना है। कलर भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अलग हो गया है, चेंज हो गया है। तो बाजार में जो चिक्की मिलती है फ्रेंड बिल्कुल कड़क होती है, अगर दांत से तोड़ते हैं तो कट कट टूटती है,
तो बिल्कुल वैसा ही आप घर पर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें डाल करके आप चिक्की घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे थाली को ग्रीस कर लेंगे ताकि मिश्रण जो हम उसी में निकालेंगे जब ये पक जाएगा, तो थोड़ा सा डाल करके हम मिश्रण चेक कर लेंगे पानी में। तो ये देखिए थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मिश्रण काफ़ी अच्छे से टूट रहा है, ये देखिए काफ़ी हार्ड हो गया है। तो बस हम इसी स्टेज पर क्या करेंगे कि गैस को कर देंगे बंद और मिश्रण को जो है अच्छे से फेंटते हुए हमें निकाल लेना है। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है हमने। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं थाली में जो हमने ग्रीस करके पहले से रखी थी। तो थाली को ज़रूर ग्रीस कर दें, तो सारे मिश्रणों को इसमें निकाल करके थोड़ा देर ठंडा कर लेते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे कि हाथों पे इस तरह से ले लेके चिक्की का शेप दे देंगे। तो आप थाली में भी जमा सकते हैं, मैं हाथों से इस तरह से छोटा छोटा बना रही हूँ, खाने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो इस तरह से बना करके सारी चिक्की तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बना है फ्रेंड्स, देखिए सारी चिक्की हमने बना करके तैयार कर ली है। तो आप भी इस सर्दी के मौसम में आप भी इस तरह से छोटी वाली चिक्की बना करके रख लीजिए और इंजॉय करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।